व्यूअर्स, टुडे डे 14। आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क था, क्या वो एक हवाबाज नहीं होगा? इंग्लिश सेंटेंस है, विल ही नॉट बी अ पायलट और वोंट ही बी अ पायलट। सेकंड, क्या लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे? वोंट पीपल बी ग्रेटफुल और विल पीपल नॉट बी ग्रेटफुल। थर्ड, क्या वो वक्त का पाबंद नहीं होगा? Won't he be punctual or will he not be punctual? Fourth, क्या बाग खूबसूरत होगा? Will the garden be pretty? Fifth, क्या वो एक शिकारी होगा? Will he be a hunter? अपने जुमले इन जुमलों के साथ चेक कर लें, जो जो गलतियां हैं वो निकाल दें। उम्मीद है आप लोगों ने गलतियां नहीं की हो। आज जीरो ग्रुप का लास्ट फॉर्मूला है, ये जीरो ग्रुप का आखिरी फॉर्मूला है, इसके बाद हम टेंसेस शुरू कर देते हैं। जिस भी लफ्ज की जरूरत हो वी पुट that at the beginning of a sentence and then we put or just follow the interrogative formula. For example, WH plus will plus subject plus be plus object with question mark. WH plus will plus subject plus be plus object with question mark. Urdu jumle mein, agar Urdu jumla hamare paas is tarah ho ke कौन एक बादशाह होगा, या कौन बादशाह होगा, जिस भी जुमले में जो जुमला कौन से शुरू होता है वहां पर हमारे पास वो अक्सर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जब वो खुद सब्जेक्ट हो फिर फॉर्मूले में लिखे हुए सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वो विल बी सब्जेक्ट बीच में मिसिंग है क्योंकि हु इज हु इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट। हु विल बी अ किंग, हु विल बी अ किंग, कौन एक बादशाह होगा। इसी तरह वो कब हमारे बीच होगा, वो कब हमारे बीच होगा। कब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं when, when will he be among us, when will he be among us, वो कब हमारे बीच होगा। इसी तरह उनका मजहब क्या होगा, उनका मजहब क्या होगा। अब चूंकि क्या जुमले के बीच में आया है, जब क्या जुमले के दरमियान में आ जाए उसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्या जुमले के शुरू में हो सो दैट इज सिंपल इंटरोगेटिव। उनका मजहब क्या होगा, व्हाट विल बी, राइट, व्हाट विल बी their religion, what will be their religion, उनका मजहब क्या होगा। बाकी वही interrogative formula है, interrogative formula से पहले double edged words इस्तेमाल करते हैं, जिस भी double edged word की जरूरत हो we put that at the beginning, then we just follow the interrogative, simple interrogative formula. Okay, this is your last homework of zero group. Zero group का आखिरी homework है आप लोगों का, कौन गद्दार होगा, मुलजिम कहां होगा। थर्ड, लोग क्यों ईद के लिए खुश होंगे। फोर्थ, कौन सी जुबान आसान होगी। फिफ्थ, तुम कब मौजूद होंगे। उनकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, ट्रिचरस गदा, अक्यूज्ड मुलजिम, इजी आसान, प्रेजेंट मौजूद या हाजिर। इन अल्फाज की मदद से आप अपने जुमले इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं।